दमोह में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में रिश्वत लेकर नकल कराने का मामला सामने आया है। सागर लोकायुक्त ने शुक्रवार को दमोह के नरसिंहगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में परिवीक्षक के रूप में तैनात एक शिक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये शिक्षक बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के एवज में 10,000 रुपए मांग रहा था। इस बात की शिकायत एक छात्रा के पिता ने सागर लोकायुक्त से की थी। लोकायुक्त एडिशनल SP राजेश खेड़े ने बताया कि पथौरिया ब्लॉक के देवलाई गांव में रहने वाली छात्रा के पिता की शिकायत के बाद टीम नरसिंहगढ़ पहुंची थी। यहां पर शिक्षक घनश्याम पिता पन्नालाल अहिरवार छात्रों को नकल कराने के बदले में 10,000 रुपये मांग रहा था। एक छात्रा पैसे देने में असमर्थ थी, इससे उसने शिकायत की तो छात्रा के पिता ने शिक्षक को 2,000 रुपये एडवांस में दिए। इसके तुरंत बाद लोकायुक्त ने शिकायत कर दी और शिकायत के बाद टीम सीतानगर थाने जाने वाले मार्ग पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को रंगे हाथों ही गिरफ्तार कर लिया। का 7,000 रुपये में तय हुआ, 2,000 रुपये की राशि का लिए ले चुके थे। आज ये 5,000 रुपये की राशि जो लोकायुक्त सागर की टीम DSP खेड़े और इंस्पेक्टर द्विवेदी, मैं स्वयं प्रफुल्ल श्रीवास्तव DSP के द्वारा हमने एक ट्रैप अरेंज किया और जो घनश्याम अहिरवार है इनको हमने 5,000 रुपये की राशि रिश्वत की राशि लेते हुए मौके पर गिरफ्तार किया है। ये हमारा जाँच का विषय है, हमने FIR पंजीबद्ध कर ली है और आगे जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे कानून सम्बद्ध कार्रवाई की जाएगी।